चुनौतियों से जो लड़े वह होता है हीरो, चुनौतियों को जो दर्द कहे वह है आम आदमी। हर हालात में दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हालात से लड़ना है या हालात से डरना है, ये तुम्हें चूज करना है। आप एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हो, वहां से चढ़कर दुनिया देखना चाहते हो, मजे करना चाहते हो, लेकिन हर मजे के साथ खतरा जरूर जुड़ा है। एवरेस्ट पर चढ़ने में एवलांशे का खतरा है, लेकिन खतरे के बिना मजा ही क्या है जीने में। अगर कुछ पाना है तो खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। 2023 में हर खतरे को पार करके अपने भाग्य को बदल डालो। आईपीएस सफीन हसन ने बताया कि उनकी सक्सेस में उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने उन्हें फ्रीडम दी कि वे अपने डिसीजन खुद ले सकें। उन्होंने उन्हें ड्रीम्स देखने दिए। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने यूपीएससी देने का डिसीजन लिया। तब भी उनके पेरेंट्स ने उन्हें जॉब लेने के लिए फोर्स नहीं किया, जबकि उन्हें उस समय और भी ज्यादा मजदूरी करनी पड़ रही थी। उसी फ्रीडम के कारण सफीन हसन और ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हो गए। यूपीएससी की रेस में कछुआ ही जीतता है, खरगोश नहीं, क्योंकि इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यूपीएससी की तैयारी में हर एक टॉपर का इंटरव्यू चेक करो, देखो उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं जो तुम्हें नहीं करनी। यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर सफीन हसन ने कॉलेज में 4 साल तक सब टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, देखा कि उसमें कॉमन गलतियां क्या थी। गुरु चाणक्य ने कहा है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं वो जल्दी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि खुद सब कुछ अनुभव करके सीखने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। 4 साल तक सफीन हसन ने अपने माइंड को शार्प किया, जिससे उन्हें तैयारी में कहीं रुकना ना पड़े, जैसे वुड कटर एक्स को शार्प करता है। हर एक की स्ट्रेटेजी अलग है, आपको किसी की स्ट्रेटेजी कॉपी नहीं करनी है। आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ अलग है। आईपीएस सफीन हसन ने एक ही रास्ता अपनाया, सुनी सबकी पर करी अपने मन की। उन्होंने अपना यूपीएससी का पाथ खुद बनाया, उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया, क्योंकि आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ना आपके पेरेंट्स और ना आपके क्लोजेस्ट टीचर्स। ही क्रिएटेड हिज ओन पाथ। आपके मेंस में गुड मार्क्स आपको लिस्ट में नाम दिलाएंगे, और गुड मार्क्स इन इंटरव्यू आपको प्रेफरेंस वाली सर्विस दिलवाएंगे। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है। आईपीएस सफीन हसन का माइंड बिल्कुल क्लियर था कि उन्हें प्रीलिम्स में 120 लाने हैं और क्वालिफाई करना है। प्रैक्टिस के टाइम भी वो सिर्फ 120 मार्क्स क्लियर करते थे। अगर यूपीएससी के 15-20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लिए तो आप यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने की स्ट्रेटेजी को समझ जाओगे। आईपीएस सफीन हसन ने प्रीलिम्स से 15 दिन पहले सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किए और अपने माइंडसेट को बनाया, प्रीलिम्स के लिए तैयार किया। माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स से 15 दिन पहले उन्होंने टेस्ट सीरीज करनी छोड़ दी और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ध्यान देना शुरू किया। आईपीएस सफीन हसन ने वाजी राम की मंथली मैगजीन को कई कई बार रिवाइज किया। उन्होंने खुद नोट्स नहीं बनाए। उन्होंने बताया कि जब वाजीराम के दिग्गज सारे नोट्स खुद बनाकर दे रहे हैं तो लिखने की जगह उन्हें बार बार पढ़ा क्यों ना जाए। आईपीएस सफीन हसन की स्ट्रेटेजी सबसे हटकर थी। टॉपिक पर क्लैरिटी रिवीजन से ही आएगी। यूपीएससी एक माइंड गेम है। उन्होंने सारी रिसर्च करने के बाद वाजीराम से कोचिंग लेने का फैसला किया, लेकिन उसका खर्चा 3 लाख बैठता था और उनके पास सिर्फ 10,000 रुपए थे। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस और उनका जज्बा देखकर उनके गांव के एक बिजनेसमैन ने उन्हें स्पॉन्सर करने का फैसला किया। आईपीएस सफीन हसन जब भी डीमोटिवेटेड फील करते थे तो उनका ओम शांति ओम मूवी का एक फेवरेट डायलॉग है, वे उसे बार बार सुनते थे। अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। उन्होंने शिद्दत से चाहा था यूपीएससी को। जिस दिन उन्होंने दिल्ली में कोचिंग के लिए पांव रखा, उसी दिन उनके दिमाग में क्लियर था कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही उनका फाइनल अटेम्प्ट होगा।
ड्रीम्स हम देख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आना है वो हमारे हाथ में नहीं है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, वो आपके हाथ में है ही नहीं। रिजल्ट आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके हाथ में क्या है? वर्किंग, गिविंग योर 100% फॉर दिस एग्जाम विद प्रॉपर स्ट्रेटजी। अगर आप पूरे शिद्दत से यूपीएससी को चाहोगे और मेहनत करोगे तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ज्यादा सोचो मत, 2023 में अपने भाग्य को बदल डालो और प्रिपरेशन शुरू करो।